हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है वह उसके बारे में और हार्डवेयर के पार्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल सके। तो आइए देखते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, अर्थात भौतिक पार्ट होता है। जिन पार्टों को हम छू सकते हैं व देख सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ईटीसी। जितने भी पार्ट होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। एंड द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो होता है डैट प्रोवाइड, जो प्रदान करता है इंस्ट्रक्शन में निर्देश फॉर द हार्डवेयर टू कंप्लीट ए कार, जिससे कि हार्डवेयर जो होता है उस कार्य को पूरा करता है सॉफ्टवेयर के सहायता से। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई औचित्य नहीं, यदि हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास कीबोर्ड है और टाइप करने के लिए टाइपिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप टाइप किस पे करेंगे? यदि आपके पास म्यूजिक सॉफ्टवेयर है लेकिन सुनने के लिए साउंड नहीं है तो किससे सुनेंगे? इस प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के कंबाइनेशन होते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल हार्डवेयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हार्डवेयर जो होते हैं किन किन प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो कुछ हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, मतलब सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, जो आंतरिक हार्डवेयर कहलाते हैं। जो हम सीपीयू को खोलेंगे तभी देख पाएंगे। और कुछ हार्डवेयर जो होते हैं बाहरी हार्डवेयर होते हैं, जिनको हम कंप्यूटर के बाहर से देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये सब बाहरी हार्डवेयर है जिनको हम देख सकते हैं आसानी से। और कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगे होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, फैन हो गया, ये सारे आंतरिक हार्डवेयर होते हैं, स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो इनको हम कंप्यूटर को जब खोलेंगे तभी इनको देख पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं आंतरिक हार्डवेयर के बारे में। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर के आंतरिक पार्ट के बारे में, जिसमें पहला पार्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, तभी सभी पार्ट कार्य कर सकते हैं। यदि जो पार्ट मदरबोर्ड से नहीं जुड़ा होगा वह काम नहीं करेगा। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीपीयू, सभी पार्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। जैसा कि इस चित्र में देखा कि ये मदरबोर्ड है, इसके सारे ये स्विच हैं जिससे यूएसबी कनेक्ट है, वीजीए कनेक्ट है, कीबोर्ड माउस कनेक्ट है, पावर कनेक्ट है, स्विच इसी में कनेक्ट हैं, मदरबोर्ड जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, और इसको बेस बोर्ड भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं एसएमपीएस क्या होता है। एसएमपीएस जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का आंतरिक पार्ट होता है, जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है और पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। ये कैसे होता है? इसमें पावर सप्लाई जो होती है, इसमें पावर केबल लगी होती है, और पावर केबल डायरेक्ट लाइट से पहले लगी होती है, लाइट के बाद सीधे एसएमपीएस में पावर केबल पहले लगती है। इसके बाद एसएमपीएस जो होता है पावर सप्लाई जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से कंप्यूटर सभी पार्टों में इलेक्ट्रिक भेजता है, जिससे कि कंप्यूटर पूरी तरीके से चलता है। अगला पार्ट देखते हैं हार्डवेयर का, स्टोरेज कंट्रोलर। स्टोरेज कंट्रोलर का अर्थ होता है जो स्टोर करता है डाटा, जो स्टोर कर सकता है कंप्यूटर में, उसको स्टोरेज कंट्रोलर कहते हैं। दैट कंट्रोल हार्ड डिस्क, या कंट्रोल हार्ड डिस्क को जो है कंट्रोल करता है। फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, एंड अदर डिवाइस जो हैं उनको ये कंट्रोल करता है। द कंट्रोलर सिट डायरेक्टली ऑन द मदरबोर्ड, और कंट्रोलर का जो स्विच होता है या पॉइंट होता है वो सीधे मदरबोर्ड में लगा होता है। जैसे हार्ड डिस्क हमारी बाहर रखी हुई है, वो किसी केबल के माध्यम से मदरबोर्ड में उसको कनेक्ट करेंगे, तभी आपका जो है हार्ड डिस्क कंप्यूटर में शो करेगी, या डीवीडी लगाना है तो वो भी वैसे ही शो करेगी। सारे स्विच या सारे कनेक्टिविटी जो है मदरबोर्ड से अटैच होती हैं स्टोरेज डिवाइस की, जिसको स्टोरेज कंट्रोलर कहते हैं।
आइए हम आगे देखते हैं ग्राफिक्स कंट्रोलर क्या होते हैं। ग्राफिक्स कंट्रोलर जो होता है वो किस काम में आता है, देख लीजिए कि यह मॉनिटर के लिए आउटपुट प्रदान करता है। केवल जैसे मॉनिटर पे जो भी स्क्रीन पे आ रहा है सीपीयू के माध्यम से, वो ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक कंट्रोलर केबल जो होती है ग्राफिक की, उसके माध्यम से मॉनिटर पे उसका आउटपुट दिखता है जो सीपीयू में कार्य चल रहा हो। मॉनिटर को मॉनिटर भी कहते हैं, एलसीडी भी कहते हैं, एलईडी भी कहते हैं, सारे मॉनिटर के ही रूप हैं। अगला पार्ट होता है इंटरफेस कंट्रोलर। इंटरफेस कंट्रोलर जो होता है वो नेटवर्क इंटरनेस कंट्रोलर इसको पूरा कहते हैं। इंटरफेस कंट्रोलर का प्रयोग एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इंटरफेस कंट्रोलर में आती है। नेटवर्क कार्ड भी आता है जिसमें नेटवर्किंग की केबल लगती है, वो भी इंटरफेस कंट्रोलर कहलाता है। आपको इस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक पार्टों के बारे में जानकारी मिल गई है। अब अगले वीडियो में आपके कंप्यूटर के बाहरी पार्टों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपका सीपीयू आएगा। हम अगले वीडियो में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।